क्या पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के सामने कांग्रेस देगी संजय दत्त को टिकट? नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं हरियाणवी लाइव। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि वीडियो देखते तो आप सभी है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जो है 2% लोगों ने भी नहीं कर रखा, तो आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हरियाणा से आते हैं तो पिछले कई दिनों से आपने एक खबर जरूर सुनी होगी कि कांग्रेस जो है पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, जो कि करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने संजय दत्त को जो है चुनावी मैदान में उतारने की सलाह कर रही है। ऐसी खबरें तरह तरह के न्यूज चैनल पर चली, सोशल मीडिया पर चली, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चली, और लोगों ने जो है इस बात पे यकीन भी कर लिया। लेकिन इसकी सच्चाई क्या, इस खबर का पोस्टमार्टम जो आज हम आपके सामने करेंगे। दरअसल ये चीजें जो है, लोगों को विश्वास इसलिए भी हो गया क्योंकि संजय दत्त का परिवार जो है राजनीति में नया नहीं है। संजय दत्त के पिता सुनील दत्त जो है सांसद रह चुके हैं, मनमोहन सिंह की सरकार में जो है मंत्री रह चुके हैं, और यही नहीं, संजय दत्त की बहन भी जो है सांसद रह चुकी है। ऐसे में लोगों को यकीन होना लाजमी था, लेकिन दरअसल ये सारी खबरें जो है झूठी थी। इसकी जानकारी खुद संजय दत्त ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर दी है। उन्होंने लिखा कि वो फिलहाल किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और ना ही राजनीति में जा रहे हैं। अगर भविष्य में वो ऐसा करें भी गए तो सबसे पहले जो है आप सबको ही वो ये जानकारी देंगे। ये जितनी भी बातें चल रही हैं ये अफवाहें हैं। दरअसल क्या होता है कि सूत्रों के हवाले से कहकर कई मीडिया चैनल या फिर कई सोर्सेज जो है खबरें चला देते हैं, जिसके बाद तो ऐसी खबरें बड़ी तेजी से फैल जाती है। ये खबर भी कुछ ऐसी थी, संजय दत्त जो है यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब सवाल है कि पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के सामने करनाल से कौन चुनाव लड़ेगा। उसके लिए पैनल में कई नाम चल रहे हैं, चाहे वो चाणक्य शर्मा हो, वीरेंद्र वीर मराठा हो, बाहू शाह हो, ऐसे कई नाम जो है चर्चा में है, और बहुत जल्द जो है लिस्ट आने वाली है, यानी कि कांग्रेस कैंडिडेट लिस्ट, जिसमें ये क्लियर हो जाएगा कि कांग्रेस किसे चुनावी मैदान में उतारती है। आपको तब तक क्या लगता है कि कांग्रेस को किसे टिकट देनी चाहिए? क्या संजय दत्त को राजनीति में आना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।